नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। शनि ग्रह का राशि बदलना राशि पर साढ़े साथी और धैया शुरू करता है, साथ ही कुछ राशियों को इनसे मुक्ति भी देता है। शनि ऐसे ग्रह हैं जो जिस राशि में रहते हैं उस पर तो अहम असर डालते हैं, उसके आगे पीछे एक राशि पर भी असर डालते हैं। 29 अप्रैल 2022 को शनि 2.5 साल बाद सारे राशि बदलने जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उन राशियों पर हो जिन पर साढ़े साथी या ढैया शुरू होगी या खत्म होगी। शनि ने अपनी कुंभ राशि में प्रवेश करते ही मीन राशि के जातकों पर साढ़े साथी शुरू हो जाएगी और धनु राशि वालों को इससे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में मीन राशि के जातकों का चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि साढ़े साथी 7.5 साल तक चलती है। ऐसे में इन लोगों को जरूरी है कि वे साढ़े साथी के बुरे असर से बचने के लिए अभी से कुछ उपाय शुरू कर दें। शनि कर्मों के मुताबिक फल देने वाले देवता हैं, इसलिए उनके प्रकोप से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे अच्छे कर्म किए जाए। इसके लिए दान पुण्य करना, असहाय मेहनतकश लोगों की मदद का सबसे कारगर तरीका है। ऐसा करने वालों से शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जिन लोगों पर शनि की साढ़े साथी या ढैया चल रही है, वो लोग शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को काली चीजें, उड़द की दाल जैसे कि काला कपड़ा, काले तिल, काले चने दान कर सकते हैं। मजदूरों, महिलाओं, दिव्यांगों की मदद करें, गलती से भी ना तो इनका अपमान करें और ना ही इन पर अत्याचार करें। शनि साढ़े साथी और ढैया से राहत पाने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना भी बहुत लाभ देता है। इससे कई समस्याएं खत्म होती हैं और आर्थिक उन्नति होती है। शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चाय नमः या ओम शन शनिश्चाय नमः मंत्रों का जाप करना आपको सकारात्मक से भर देगा। साथ ही शनिदेव की कृपा से हर काम आसानी से बनने लगेगा। शनि के प्रकोप से राहत पाने के सबसे अच्छा तरीका है संकट मोचक हनुमान की शरण में चले जाना। इसके लिए शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और गरीबों को दान दें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।